आज का रेसिपी है तिल की लड्डू, यानी कि व्हाइट तिल की लड्डू बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे हम 200 ग्राम तिल लिए हैं व्हाइट वाला, और यहाँ पे हम 300 ग्राम गुड़ लिए हैं, और यहाँ पे खाने वाला मीठा सोडा लिए हैं, और यहाँ पे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जैसे कि किशमिश है और काजू है, जो भी छोटे छोटे पीस में हम थोड़ा सा इसे काट लिए हैं, और बादाम है, इसे भी हम छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं, और हमें एक चम्मच ला घी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फैमिली और दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तिल की लड्डू कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे हम एक फ्राई पैन गरम करने के लिए दे दिए हैं, और तिल को इसमें हम डाल देंगे और थोड़ा सा इसे हम भून लेंगे। इसे हम धीमी आंच पे ही इसे इस तरह से हम भूनेंगे, बस हल्का सा गरम करना है हमें। यहाँ पे हल्का गरम हो गया है तो यहाँ पे हम गैस बंद कर देते हैं और थोड़ा ठंडा होने देते हैं इसे। उसके बाद इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। उसी फ्राई पैन में हम एक चम्मच घी डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम गुड़ डाल देंगे और इसे हम मेल्ट होने तक इसे इसी तरह से हम धीमी आंच पे पकाते रहेंगे। देखिए गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, और इसे अभी थोड़ा देर और पकाएंगे, उसके बाद आपको हम बताएंगे इसे चेक कर कि पका है या नहीं। कटोरी में हम पानी ले लेंगे और देखिए इसमें हल्का सा हम डालते हैं और चेक करते हैं ये हुआ या नहीं। देखिए ये भी थोड़ा सा और होगा, अभी चिपक रहा है तो अभी नहीं हुआ है, कुछ देर और होगा अभी चिपक रहा है। तो देखिए अब चेक करके देखते हैं इसे हुआ है या नहीं। तो थोड़ा सा हम पानी में डालते हैं और चेक करते हैं, ये अब टूटने लगा है, देखिए अब टूटने लगा ये, तो यानी ये अभी रेडी हो गया है, ये हो गया है। अगर चिपकने लगे तो नहीं हुआ है, ठीक, और टूट रहा है ये, तो यानी कि ये रेडी हो गया है। तो इसमें हम अब तिल डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से हम चलाएंगे। खाने वाला मीठा सोडा भी 1 पिंच डाल देते हैं, ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे हम सारा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे इसमें, और इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं।
यहाँ पे हम गैस भी बंद कर देंगे, ये रेडी हो गया है और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। एक्चुअली ये गर्म ही होता है बट ज़्यादा ही गर्म है अभी, थोड़ा सा हल्का इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो ठीक है, इसे गैस बंद कर देते हम और इसे इस तरह से हम मिलाते रहेंगे। एल्युमिनियम फाइल लेंगे या प्लास्टिक, उस पर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे, चिकना बना देंगे इसे। यहाँ पे सारा डाल दिए हम और इसे अच्छी तरह से इस तरह से हम मिलाएंगे अच्छी तरह से, दो चार बार इस तरह से हम करेंगे तो और अच्छी तरह से हो जाएगा। देखिए अब इसे हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम हाथ पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसे फास्ट फास्ट हम बनाएंगे, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा तो नहीं बन पाएगा। और थोड़ा सा हम यहाँ पे तिल बचा के रखे हुए थे, देखिए इस तरह से, और इसमें अच्छी तरह से लपेट लेंगे और यहाँ पे रख देंगे, इसी तरह से सारा बना लेंगे। तो देखिए बनकर रेडी हो गया तिल का लड्डू और बहुत इजीली तरीका से बन गया है और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो आप भी ज़रूर बनाइए और अपने फैमिली और दोस्त को खिलाइए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।